वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लॉग आउट की दुनिया। दोस्तों, हम हमारे वीडियो में लगातार आपको होम रेमेडी से किस तरह से आप अपने चेहरे को चमकदार बना सकते हैं, बालों को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप का ध्यान रख सकते हैं, ये सब बताते आए हैं। उसी कड़ी में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा झुर्रियां आ रही है या फिर आपके फेस पर झाइयां आ गई है, दाने आ रहे हैं, डलनेस हो गई है, तो आप कैसे मिनटों में इन सब परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप मिनटों में जवा स्किन पा सकते हैं। 30 ईयर्स के बाद कई सारी परेशानी होने लगती है। हम उन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पार्लर जाते हैं, महीने महीने ट्रीटमेंट कराते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं, बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम का यूज करते हैं, लेकिन वो सब चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं, लेकिन हम मेहनत नहीं करते। जो आज मैं आपको चीज बताने वाली हूँ उसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, आज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा का। अब आप सोच रहे होंगे, बेकिंग सोडा हम फेस पर कैसे लगाएं, क्या ये सेफ है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ है, आप इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी चेहरे की डीप क्लीनिंग को करता है, साथ ही साथ जो आपके रिंकल्स आ रहे हैं आपके चेहरे पर उनको दूर करता है। अगर आपकी एज 40 हो गई हो और आप इस चीज का लगातार प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपको कम उम्र का दिखाने में भी आपकी मदद करेगा। चलिए अब देखते हैं कि हमें आखिरकार करना क्या है। यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं लूंगी 1/2 टेबल स्पून के लगभग, क्योंकि मुझे सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है। अगर आपको गर्दन पे भी अप्लाई करना है तो आप इससे ज्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून के लगभग बेकिंग सोडा ले रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप इसकी जगह बॉइल दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉइल मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है और बहुत ही जल्दी हो जाने वाला ये तरीका है। इसमें मैंने 2 चम्मच ऐड किया है यहाँ पर मिल्क। लेकिन आप दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज अगर अपने फेस पर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। फेस को अगर आप क्लीन नहीं करेंगे, आपके फेस पर गंदगी होगी, डस्ट होगी, तो आप जो भी चीज अप्लाई करेंगे वो आपके चेहरे पर उतना असर नहीं दिखा पाएगी। इसलिए सबसे पहले आप किसी भी चीज से, या तो आप मिल्क से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप पानी से भी अच्छे से वॉश करके आ सकते हैं। आप हॉट वाटर से, बहुत ज्यादा हॉट नहीं, जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो आप हल्के गुनगुने पानी से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना है। देखिए, मैंने अच्छे से मैश यहाँ पे कर लिया है, मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है ये, क्योंकि बेकिंग सोडा, हाँ, अगर आप सोचे कि अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लें, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। चलिए, सबसे पहले मैंने फेस क्लीन किया हुआ है, मैं फेस क्लीन करके ही यहाँ पर बैठी हूँ, तो मैंने जो है अपना फेस क्लीन कर लिया है। आप मिल्क हो गया या फिर जिस भी चीज से, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप अपने फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कीजिए। यहाँ पर मेरा फेस क्लीन है इसलिए मैं इसे अब डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से, हमें कॉटन की मदद से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पे मैंने कॉटन की मदद से इसे लिया है और मेरे इसमें मिल्क थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आपने जो मिक्सचर ऐड किया है उसमें कुछ कम ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब से उसमें ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर सोच रहे होंगे कि जो बेकिंग सोडा है स्किन पर अप्लाई करने से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, तो दोस्तों, जब हम स्किन पे ब्लीच करते हैं तब भी उसमें भी इसी तरह के कंपाउंड मौजूद होते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है, जो आपकी स्किन के लिए बेहतर होता है, आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से मैं स्किन पे इसे अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, मैं कॉटन की मदद से स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन एक चीज और है, अगर आपको
चेहरे पर कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो ये 100% यहाँ पर नेचुरल होती है, नेचुरल चीजें बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करती, लेकिन कई बार कुछ कुछ चीजों की हमें एलर्जी होती है। अगर हम किसी भी चीज, किसी भी होम रेमेडी हो गई या मार्केट की चीज हो गई, उसका इस्तेमाल करते हैं और उस समय हमारे चेहरे पर ईचिंग या फिर जलन जैसा लगने लगे, तो आप उसे तुरंत वॉश कर लें। अगर आपको उस चीज से एलर्जी है तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से इसको अपने पूरे फेस पर यहाँ पर कवर किया है, जो मेरे फेस की डीप क्लीनिंग भी करेगा, साथ साथ रिंकल्स से मुझे निजात दिलाएगा और बहुत ही चमकदार और ग्लोइंग स्किन मिनटों में मुझे दिलाएगा। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई किया है, बहुत ही अच्छे से आई एरिया के आसपास नहीं, मतलब थोड़ी दूर से आप इसे अप्लाई कीजिए। आप इसे अपने लिप्स पर भी लगा सकते हैं। मैं आपको लिप्स को आप किस तरह से पिंक बना सकते हैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिप्स पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताएं कि किस तरह से हम होठो की केयर कर सकते हैं, होठो पे स्क्रब कर सकते हैं और उनको अगर जैसे कई बार हमारे होठ फट जाते हैं और होठो पर भी ब्लैकनेस आ जाती, लिपस्टिक लगाने से काले काले से निशान हमारे होठो पर आ जाते हैं, तो किस तरह से हम उनका ख्याल रख सकते हैं, ये सब आपको मैं बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। दोस्तों देखिए, इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब मुझे इसको कम से कम यहाँ पर रहने देना है 5 से 7 मिनट, उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूंगी। दोस्तों देखिए, अब मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है यहाँ पर। अब मैं इसको, कभी भी आप जब अपने चेहरे को वॉश करें तो बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के आप अपने चेहरे को मत पोछिए, आपको सिर्फ ऐसे डैप डैप करके अपने चेहरे को पोछना है। और आप देख सकते हैं जो मेरी स्किन है ग्लो करने लगी है, देख सकते हैं आप जो डस्ट थी, जो डलनेस थी मेरी स्किन पे, वो सब दूर हो गई है, वो भी मिनटों में। और देखा आपने कि किस तरह से सिर्फ 2 चीजों के इस्तेमाल से हमने हमारे फेस की डीप क्लीनिंग की है, जो आप आसानी से, आप फ्री टाइम में बैठे हैं, ये इसमें कुछ मेहनत भी नहीं लगती है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, नमस्कार।